हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। एंड इन दिस सेशन हम आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे, सर्टेन बेसिक टिप्स जो मेरे 6 इयर्स के एक्सपीरियंस है, एंड थ्रू माय इंटरेक्शन विद मोर देन 100 टॉपर्स एंड एनालाइजिंग देयर आंसर शीट्स, वी हैव कम आउट विद एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कि आपके आंसर्स किस तरीके से चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फोकस करनी है जब भी आप आंसर लिख रहे हो, सो दैट यू गेट अ बेटर आउटकम। You can also join our YouTube channel and Telegram channel for more updates of our initiative, free initiative. We have launched a free essay course on targetupsc.in. You can join that. To start with, November and December is the most important time जब आप answer writing की practice कर रहे हो, जो भी इस साल mains दे रहे हो या अगले साल देने की plan कर रहे हो, तो answer writing बहुत important है। Mains preparation के वक्त बहुत सारे students ये mistake करते हैं कि वो content पर ज़्यादा focus करते हैं, बहुत सारे books पढ़ेंगे, लेकिन answers लिखते वक्त उनके स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। इस लेक्चर थ्रू हम बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत इफेक्टिव एंड हेल्पफुल रहेंगे, तो होपफुली यू फॉलो दिस लेक्चर टिल द एंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू इज, जब भी आप आंसर लिख रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी एग्जामिनर है वो एक चीज पर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करता है, दैट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आर यू एबल टू आंसर और आर यू एबल टू राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड। मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं, दे राइट 2 pages 200 words, still they are not getting the marks. Major reason उसके पीछे है, demand of the question को address नहीं कर रहे हो। आप एक paper लिखो, लेकिन अगर demand of question को address कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा number मिलेंगे। Second is, students सिर्फ content पर focus करते हैं, लेकिन structuring भी उतना ही important part है आपके answers का। अगर आप structuring अच्छी रहेगी, तो ज़्यादा points आएंगे, ज़्यादा effective way में आप लिखोगे, examiner के लिए easy होगा check करने के लिए, तो content and structuring दोनों पर focus कीजिए। Third is, इफ यू सी द टॉपर्स के आंसर शीट, एक चीज कॉमन है, अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे कम लिखोगे, ज्यादा वर्ड्स यूज करोगे, पॉइंट्स में लिखोगे ज्यादा पॉइंट्स आप दे सकते हो, आपका नॉलेज आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो पॉइंट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्कर क्वेश्चन को अराउंड 12 to 13 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 15 मार्कर को 15 to 20 पॉइंट्स मिनिमम लिखना जरूरी है, तभी आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जितने ज्यादा पॉइंट्स लिखोगे उतने ज्यादा नंबर से, ये एक बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो सारे लोग मिस करते हैं। वो कम पॉइंट्स लिखते हैं, इसके वजह से कम मार्क्स मिलते हैं। पैराग्राफ्स अवॉइड कीजिए एंड पॉइंट्स में लिखिए। नेक्स्ट इज, जहां जहां पॉसिबल है डेटा डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स का इंक्लूजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट योर आंसर्स बिकम मोर इफेक्टिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आंसर लिखते हो तो ये स्टार्टिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना है, सेकेंड इज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। आपका कंटेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है, 50% कंटेंट एंड 50% स्ट्रक्चरिंग है। अगर स्ट्रक्चरिंग है तो ज्यादा पॉइंट्स याद आएंगे, सेकंड स्ट्रक्चरिंग है तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा, एंड स्ट्रक्चरिंग है तो आप अपने वर्ड में लिमिट के अंदर ही रहोगे और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। थर्ड इज मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं, एंड फोर्थ इज डेटा डायग्राम एंड एग्जांपल पर फोकस करना है। इंट्रोडक्शन के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंट्रोडक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आई वुड टेल यू एक मेजर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं कि इंट्रोडक्शन उनका बहुत बड़ा हो जाता है। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द इंट्रोडक्शन टू एटलीस्ट टू, मतलब मैक्सिमम 3 to 4 लाइन से ऊपर आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है, डेफिनेशंस आ सकते हैं, अगर इथिक्स का है, GS2 का है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई न्यूज है तो उससे रिलेटेड आ सकता है, डेटा आ सकता है। ये 3 चीजों से इंट्रोडक्शन बनता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो मेक श्योर ये 3 चीजों पर आप फोकस करो, दैट इज डेफिनेशंस, करंट अफेयर्स एंड डायग्राम्स और रिपोर्ट्स कुड you can start with the introduction. 3 to 4 line का ही होना चाहिए। Usually UPSC हम एक example भी देखेंगे, जो first line होता है and second line वाला जो second line होता है वो question होता है। जो first line UPSC देता है, that is the most important thing and that has to be supported through data or current affairs related news जो introduction में आएगा। तो ये एक important चीज आपको याद रखना है, and 2 to 3 line से ज्यादा important लिखना बहुत जरूरी है। 3 to 4 line से ज्यादा introduction नहीं होना चाहिए, ये सबसे important tip है। आप ensure कीजिए कि उससे ज्यादा introduction ना रहे आपका। Next important है, जब भी आप body की बात करें, body is what is actually asked in the question. Usually पिछले साल mangroves का question था, coral reefs का question था, they have specifically asked कि what are the causes for the depletion of mangroves. तो यहां जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके बॉडी जो मेन पार्ट है, आपको बॉडी ये वर्ड यूज नहीं करना है आपके आंसर्स में, लेकिन आपको बॉडी के वक्त जो भी पूछा है, इफ दे हैव आस्क्ड कॉजेस तो आप कॉजेस लिख रहे हो, इफ दे हैव आस्क्ड द इंपैक्ट, आप इंपैक्ट
जो भी वर्ड क्वेश्चन में लिखा है वो बॉक्स बना के लिख रहे हो और उसके अंदर आप पॉइंट्स लिख रहे हो. पॉइंट नंबर वन, व्हाट आर द फोर और फाइव कॉजेस, व्हाट एवर नंबर ऑफ कॉजेस यू हैव. फर्स्ट आपको एक बॉक्स बनाना है, जो भी चीज पूछा है उसको ए मार्क करना है, उसको बॉक्स देना है और उसके अंडर पांच पॉइंट लिखने हैं. सेकंड पार्ट जो पूछा है इंपैक्ट पूछा होगा या फिर थर्ड पार्ट पूछा होगा तो स्टेप्स पूछा होगा, तो इसके अंडर आपको पॉइंट्स के अंडर लिखना है. लेकिन जो मेन बॉडी के जो तीन मेजर पार्ट पूछे हैं उसको बॉक्स बना के सिमिलर वर्ड यूज करना. अगर इंपॉर्टेंस पूछा तो इंपॉर्टेंस आएगा, इंपैक्ट पूछा है तो इंपैक्ट वर्ड, जो भी ऊपर दिया है क्वेश्चन में सिमिलर वर्ड बना के उसको बॉक्स करना है एंड उसके अंडर पॉइंट्स लिखने हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी का. अगर आप इस स्ट्रक्चर में लिखोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे एंड एग्जामिनर वुड कम टू नो दैट यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम एक एग्जाम्पल थ्रू भी हम इसको सब्सटैंशिएट करेंगे. थर्ड, कंक्लूजन, अगेन नॉट मोर देन 3 to 4 lines, not more than 3 to 4 lines. Futuristic चाहिए, committee का recommendations दे सकते हो, SDG का help ले सकते हो, constitution का आप help ले सकते हो while writing conclusion. तो बहुत important है जब भी आप conclusion लिखो 3 to 4 lines and conclusion लिखना important है. हमेशा जरूरी नहीं, बहुत सारे students ये mistake करते हैं कि exactly ऐसे लिखते हैं paper में कि अभी मैं conclusion लिख रहा हूँ, तो वैसा लिखना जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ conclusion लिखना है. Hopefully you are getting what I am trying to tell you. And along with it, certain key important points you need to remember while answer writing. First is, as I already have told you, addressing the demand of the question सबसे important है. 30 seconds structuring of the answer. Structuring मतलब क्या कि मेरे तीन part क्या होने वाले हैं, body के introduction में क्या होने वाला है, conclusion में क्या होने वाला है. ये 30 seconds से एक minute का time बहुत देना जरूरी है. अगर आप haphazardly लिखना start करोगे तो usually क्या होता है कि जो दिमाग में आता है वो लिखते हो. तो structuring बहुत important है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग पॉइंट्स ओनली, यूज ऑफ बॉक्स एंड अंडरलाइन. बॉक्स हमने जैसे देखा कि जो बॉडी में तीन मेजर पार्ट हो गए या दो मेजर पार्ट हो गए उसको बॉक्स करना है, ए हेडिंग देना है, उसके अंडर सब पॉइंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, एक लाइन में आना चाहिए. तो ये अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम्स ड्रॉ करना है. डायग्राम्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड दे शुड बी ड्रॉन वेर एवर नेसेसरी. दे शुड बी ड्रॉन वेर एवर नेसेसरी. ईजी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए. नेक्स्ट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे गिव अप, उनको लगता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होगा, सो दे गिव अप. तो एक इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी इस साल लिख रहे हैं, डू नॉट गिव अंटिल द लास्ट मोमेंट एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. अगर ये सारी स्ट्रैटेजीज और ये फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आने ही आने हैं मेंस में. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरिंग बिफोर राइटिंग आंसर. 30 सेकंड टू 1 मिनट, हाँ मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाला हूँ, मेरा बॉडी के दो तीन पार्ट क्या है, उसके अंडर क्या क्या पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं एंड देन कंक्लूजन. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. और एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी में आई वुड टेल यू नो मैटर हाउ मच डू यू रीड, आप कितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऑन द स्पॉट आपको आंसर लिखने पड़ेंगे. आपके 20 क्वेश्चन लिख रहे हो, 10 क्वेश्चन आपको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होगा, 10 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपको बेस्ड ऑन योर नॉलेज आपको आंसर्स बनाना है. डायरेक्टली नहीं आएंगे वो 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो उसके लिए क्या जरूरत है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना जरूरी है. रोज हाफ एन आवर टू वन आवर ब्रेन स्ट्रॉमिंग. क्वेश्चन ले लिए आपके दिमाग में आपने, मतलब अभी बुक ले लिया, उसमें शॉर्ट नोट्स बना लिया कि हाँ मैं ये इंट्रोडक्शन लूंगा, ये तीन मेरे तीन पॉइंट्स रहेंगे, ये कंक्लूजन रहेगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना जरूरी है. पिछले साल एक क्वेश्चन था कि द सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो एक फर्स्ट लाइन है, उसके बाद क्या है, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन. आइडेंटिफाई द लिमिटेशन एंड सजेस्ट द मेजर्स फॉर इफेक्टिव ness of the citizen charter. तो basically इसमें first part क्या है कि citizen charter is an ideal instrument for ensuring transparency and accountability. तो आपको ये explain करना है through introduction. तो यहाँ citizen charter का definition आ सकता है, फिर citizen charter how does it lead. तो ये जो first part है उसको आपको substantiate करना है, that citizen charter leads to transparency and accountability, thus leading to good governance. तो ये explain करना है. next limitation पूछा है तो limitation को box बना दिया, तीन चार पॉइंट लिख दिए, मेजर्स तीन चार पॉइंट एंड कंक्लूजन. कंक्लूजन में सर्वोत्तम मॉडम या राइट टू पब्लिक सर्विस या. तो सिंपल अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. एंड जहां जहां पॉसिबल है जितने ज्यादा एग्जांपल्स लिख सकते हो उतना लिखना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली दैट वुड हैव एन ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन योर आंसर्स. तो मेक श्योर पिछले जो भी अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए यूपीएससी के, उसको स्ट्रक्चरिंग करना सीखिए. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड मोर इफेक्टिव वीडियोज. हमारा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए. टेलीग्राम चैनल टारगेट 30 यूपीएससी which has one of the highest number of subscribers and followed by various toppers.
तो यू कैन ज्वाइन दैट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. होपफुली यू लाइक दिस वीडियोस. इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू. Thank you.